भारती जी, भाई नरेश सारण जी, जो हम तीनों एक मंच पर काम करते थे बीएसपी में, बड़ा ही मेहनती लगनशील है, उनको भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। आज जो डॉक्टर अशोक कुमार के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर अशोक कुमार का नाम ऊपर वाले पन्ने पे लिखना है। आज संकल्प लो और हाथ खड़ा कर। ताश का गेम खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? की दुखी आ जाती है, यानी भविष्य आ जाता है, उसी का भी विनाश कर देता है। आप लोगों से मेरा मिल करके आज मनाया है। और बाबा साहब ये कहते थे कि जो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं, स्वाभिमानी है वही आजाद है, जो जिसके पास स्वाभिमान नहीं है वो गुलाम है। और इसी तरह की मैं समझता हूँ कि सभी महापुरुषों ने इसी तरह की बातें कही हैं। और आज मैं समझता हूँ कि स्वाभिमान के दिवस के दिन मैं तो यही इतना ही कहना चाहूँगा कि संत महात्मा यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हैं। हरियाणा की हमारे सभी बुजुर्ग वो संघर्षशील साथी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और हमेशा इस प्रदेश का स्वाभिमान, गरीब समाज का, किसान मजदूर का, दलित पिछड़े का, वो सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है और उसको हम पूरी मजबूती से निभाने का काम करेंगे। आज ये साथी मिलकर के तय करेंगे कि आगे हमें करना क्या है और उसके अनुरूप फिर हम आगे का रास्ता अख्तियार। अगला विकल्प कहीं आम आदमी पार्टी तो नहीं है? नहीं, कोई पार्टी कुछ नहीं है। पार्टी पुर्टियाँ हमने बहुत देख ली है, सारी एक से एक बढ़ करके हैं और ये सारे बड़े स्वाभिमानी साथी हैं। और इसलिए हमने कहा कि स्वाभिमानी साथियों के विवेक और उनके अनुभव के आधार पर जो वो हमें सलाह देंगे, जो मार्गदर्शन करेंगे, वो हम मानेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि दिल्ली चुनाव के बाद जो क्षेत्रीय पार्टियों का ग्राफ बढ़ा है, क्या समझते हैं? देखिए, ये तो सबको पता है कि पूरा देश जो है तीसरे विकल्प की तलाश में है और जहाँ जहाँ तीसरा विकल्प मिलता है वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लोग नकारने का काम करते हैं। यही दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल जी वहाँ तीसरी बार उन्हें मौका दिया दिल्ली की जनता ने, तो उनको बधाई भी है। और जो वो नहीं कर सके पहले वो अब करके दिखाएं। और हरियाणा में हम एक अच्छे विकल्प के साथ यहाँ के हर वर्ग की 36 बिरादरी की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। इंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि धान घोटाला हुआ है और माइनिंग घोटाला हुआ है, क्या समझते हैं? घोटाले तो 5 साल से चल रहे थे, कुछ लोगों को अभी दिखाई दिए हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि 5 साल इन साथियों ने, जो आज ये सारे स्वाभिमानी साथी आए हैं, इन्होंने संघर्ष भी किया, आवाज़ भी उठाई और आने वाले समय में आज के बाद हरियाणा का विपक्ष यही होगा, बाकी सब तो आपस में मिले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सड़क पर आकर आम जनता की आवाज़ नहीं उठा पा रही है? कहाँ कांग्रेस, तो कांग्रेस में हम थे सड़क पे, कांग्रेस कहाँ सड़क पे है? कांग्रेस एसी में है, ड्राइंग रूम में है, रिजाई के अंदर है। आज इस कार्यक्रम के चक्कर में कुछ कार्यक्रम वो रखने की कोशिश करी है, हालांकि उसमें कोई दम नहीं है। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आज देश के अंदर अगर संविधान लागू नहीं हुआ, अगर आरक्षण पूरे तरीके से लागू नहीं हुआ, अगर महिलाओं को, नौजवान को उसके अधिकार नहीं मिले, अगर किसान आज भी आत्महत्या करने पर मजबूर है, गरीब आदमी नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है, शिक्षा के अभाव में लोग जो है मैं समझता हूँ कि लाचार जीवन जी रहे हैं, तो इसके लिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और वो तमाम पार्टियाँ दोषी हैं जिन्होंने पिछले 70-72 सालों में इस देश और प्रदेश के ऊपर राज किया। सर, आने वाले दिनों में बीएसपी के बैनर तले कहीं ना कहीं देखा जा सकता है? देखिए, मैंने बोला कि पार्टियों का यहाँ कोई मामला नहीं है। अभी तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद मैंने कहा कि ये स्वाभिमानी और संघर्षशील आज साथियों का ये जमावड़ा है, एक आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। और आज के बाद हरियाणा के अंदर विपक्ष यही साथी होंगे और देश के अंदर भी एक विकल्प मैं समझता हूँ कि संघर्ष का, विपक्ष का, वो ये साथी मिलकर। बीएसपी के कई नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये सब हमारे बड़े भाई हैं, आशीर्वाद देने के लिए पूर्व सांसद भी हैं जिन्होंने बीएसपी को खड़ा किया हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, वो लोग सब आए हैं, तो अच्छे संकेत हैं। और भी दूसरी पार्टियों से, सब पार्टियों से लोग यहाँ पर पहुंचे। नई पार्टी बनाकर संघर्ष करेंगे? देखिए, ये तो आगे तय होगा कि क्या होगा। आज तो जन्मदिन मनाया है, 44वां, सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और इनका यहाँ पर आना, आशीर्वाद देना,
ये हमारे आगे की लड़ाई को मैं समझता हूँ कि और मजबूती से लड़ने के लिए प्रेरणा देगा। आज आपके सामने हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने आज अपना 44वां जन्मदिन स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया। इस समय हम करनाल के सेक्टर 12 के हुडा ग्राउंड में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अशोक तंवर पिछले कई दिनों से हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में घूम रहे थे, जहां से आज वो यहां पर जनता पहुंची है। उन्होंने वहां जाकर संदेशा दिया था कि आप 16 फरवरी को करनाल में पहुंचे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि कमेरों के संघर्ष और स्वाभिमान के लिए आज यहां पर स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है। तमाम जनता हरियाणा से पहुंची है और डॉक्टर अशोक तंवर के साथ यहां पर मंच पर बीएसपी के नेता भी दिखे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस जनता से सलाह ली जाएगी, उनसे बात की जाएगी और आगे जो ये जनता कहेगी वही स्टेप लिया जाएगा। वही जब कांग्रेस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब लोगों की आवाज नहीं उठा पा रही है। कांग्रेस इस समय एसी रूम में है, ड्राइंग रूम में है, लेकिन वो सड़क पर आकर जनता की आवाज नहीं उठा रही है। जब मैं कांग्रेस के अंदर था, यानी कि डॉक्टर अशोक तंवर की तरफ से कहा गया कि जब वो कांग्रेस के अंदर थे तब सड़क पर आकर उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पार्टियां देख ली हैं, हर पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार है, लेकिन ये जो जनता है उनकी सलाह मशवरे के बाद ही वो अपना कोई कदम उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल शपथ ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोग जो आज हरियाणा के करनाल के अंदर इकट्ठे हुए हैं स्वाभिमान दिवस मनाने के रूप में, क्योंकि आज डॉक्टर अशोक तंवर का 44वां जन्मदिन है और वो ये दिन स्वाभिमान दिवस के रूप में मना रहे हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। और इसके मन में कोट पर पूरे हरियाणा से सर्व समाज के लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ऐसे अभी मेरे प्रार्थना है जो संत समाज डॉक्टर अशोक तंवर जी को आशीर्वाद देने आए हैं वो नीचे क्रेक काटा जा रहा साथ। बधाई सबके दो दिन कितनी अच्छी पगड़ी सजाई, कितनी अच्छी पगड़ी सजाई पानी के साथ क्या बात है। जीवन साथी अमन पिता है, दिलबाग सिंह है पिता, साहब और अमर पिता की।